हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बेटर इंडियन। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले ये एक एयरफोन परचेज़ किया था जो कि रियलमी कंपनी का है दोस्तों, एंड इसका मॉडल नंबर है रियलमी बड 2। दोस्तों, एक्चुअली ये मैंने गेमिंग के लिए एयरफोन परचेज़ किया था, जिसकी रेटिंग वगैरह मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट चेक करी थी, एंड ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी अच्छे रिव्यू थे इसके। तो इसलिए मैंने पर्सनली यूज़ के लिए, मैंने गेमिंग के लिए इसे ऑर्डर किया था, एंड मेरे फ्रेंड भी कुछ इसे यूज़ करते हैं दोस्तों, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बेहतर बताते हैं दोस्तों, एंड इसी को देख के मैंने भी ऑर्डर किया है। बट अब फाइनली दोस्तों, मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसकी जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैंने डाल दी है। हालाँकि ये नॉन रिटर्न प्रोडक्ट है, इनके रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, एंड अमेजोन टीम का ये कहना है दोस्तों, इसे हम रिटर्न नहीं कर सकते, ये रिप्लेसमेंट में जाएगा, यानी कि इसके बदले वो दोबारा से मेरे को ये एयरफोन देंगे। तो भी मैंने एक ट्राई किया है दोस्तों कि ये मेरे को पेमेंट रिफंड आ जाए, नहीं तो एंड जो इसके बदले मेरे को दूसरा एयरफोन मिल जाए। एंड किस वजह से मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों मैंने ये पर्सनली गेमिंग के लिए यूज किया था, ऑर्डर किया था, जिसके लिए मेरे जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, वो काफ़ी ख़राब रहा है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी साउंड क्वालिटी मेरे को ठीक नहीं लगी है दोस्तों, एंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, वो भी मेरे को ख़राब ही लगा है। कम से कम मेरे को 3 से 4 दिन हो गए इस प्रोडक्ट को यूज करे हुए। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इसे रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसे यूज कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हो, ये प्लास्टिक बिल्ड है दोस्तों, एंड जब इसे आप अपने कान में लगाते हो, यानी कि ये इस तरह का राइट हैंड का है, राइट ईयर का है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं जहाँ मेरी उंगली है दोस्तों, ये आपके कानों में चुभेगा जब आप इसे यूज करोगे दोस्तों। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी दिक्कत लगी है कि मैं इसे लॉन्ग टाइम तक इसे यूज नहीं कर सकता हूँ। सपोर्टेड अगर मैं कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहा हूँ, 1-2 घंटे के लिए मैं इसे अगर मैं लगाता हूँ, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, 15 से 20 मिनट में ही आपके कान में दर्द होने लग जाएगा, ये आपके चुभने लग जाएगा दोस्तों। तो एक तो ये मेन पॉइंट है कि मैं इसे रिटर्न इस वजह से कर रहा हूँ, एंड सेकेंड पॉइंट है दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी। जिसके साउंड क्वालिटी से इसका जो म्यूज़िक है वो दोस्तों बहुत लाउड है। अगर कोई तेज़ सॉन्ग सुनना पसंद कर रहा है, ओनली फॉर सॉन्ग दोस्तों, ना कि गेमिंग, अगर सुनना पसंद करता है तो वो इसे परचेज़ कर सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारे टाइम डीजे वगैरह पे सॉन्ग वगैरह आप सुनते हो, तो बहुत लाउडनेस सॉन्ग आता है, बाहर का आपको कुछ सुनाई नहीं देता, तो उस प्रकार से इसका कुछ सॉन्ग है। लाउडनेस की मैं बुराई नहीं करूँगा, लाउडनेस इसमें है दोस्तों, तेज़ वॉल्यूम है इसका, बट गेमिंग के मतलब का दोस्तों ये एयरफोन नहीं है। गेमिंग के मतलब ये देखो, अगर 2-3 टीम आपके रस हुआ है, या फिर 2-3 टीम साथ में उतर गई है, वहाँ पे बहुत से टाइम पे क्या होता है, बहुत तेज़ फायरिंग वगैरह होती है, तो बस खाली आपको आवाज़ आएगी कि हाँ भाई फायरिंग वगैरह हो रही है, बट एग्जैक्ट किस डायरेक्शन से हो रही है, किस लोकेशन से आ रही है, एनिमी राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है, ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बहुत से टाइम पे ऐसा भी होगा कि एनिमी आपके पीछे होगा, बट आपको कुछ अंदाज़ा इससे नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो इस वजह से मेरे को ये गेमिंग वगैरह में मेरे को ये बेकार लगा, स्पेशली मैंने BGMI वगैरह में प्ले करता हूँ, BGMI वगैरह में गेम खेलता हूँ, तो उस पॉइंट पर ये मेरे को बहुत ही ख़राब लगा दोस्तों। एनिमी की जो फुट स्टेप है वो राइट से है, लेफ्ट से, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, कोई अंदाज़ा, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को सही से नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ दोस्तों। यही मेरा रीज़न है दोस्तों रिटर्न करने का, और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सोच समझ लेना एक बार, आप एक्सपीरियंस मेरे बात मानी तो मैं बिल्कुल आपको सही बोल रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे अकॉर्डिंग एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ इसको परचेस मत करना दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है दोस्तों। इसके अलावा किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर लेना, एयरफोन वगैरह ऑर्डर कर लेना। बाकी मैं भी लिंक वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दूंगा जो बेस्ट एयरफोन है अंडर 1000 या 500, तो आप उसे चेकआउट कर लेना, वो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि ये 600 का है, 200 रुपीस और ऐड करके आप रियलमी का ना लेकर के मी ड्यूल ड्राइव आप ले लेना, मी कंपनी के जो एयरफोन आते हैं जो भी मैग्नेट के साथ है, तो वो परचेस कर लेना, या इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट इसे आप परचेस मत करना अगर आप गेमिंग प्लेयर हैं, अगर आप गेमिंग खेलना पसंद करते हैं दोस्तों। तो सब मिला के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैंने इसे रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल दिया है दोस्तों, आई होप कि ये रिटर्न हो जाए। इन फ्यूचर अगर रिटर्न नहीं होगा तो मेरा पेमेंट बिल्कुल बर्बाद है दोस्तों। तो सब मिला के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।